तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अभी क्रिएशन पे। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किए थे कि जो दुकानें हैं कवरिया पथ में उनमें जो सामान का है जो रेट क्या है वो सारी चीज़ पूछिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखिए नारदपुर में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे झरना वगैरह भी लगा हुआ है, ये सारे का भी हम रेट पूछेंगे भैया से क्या रेट लेते हैं, और यहाँ पे बेड का क्या रेट लेते हैं, मतलब किसी एक अगर कवरिया ठहरेंगे तो चौकी का कितना रेट लेते वो सारी चीज़ पूछेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कामर रखने के लिए दिया गया जगह, और उसके बाद बगल में ही एक कुछ मतलब कि फ्री सेवा है, यहाँ पे रह सकते हैं, ये जगह ना फ्री है ना, तो वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि एक बम जी का एक ये कहना था, जो हम लोग नौनसार के पहले जो जगह था कि उधर जो था दुकान का जो रेट था काफ़ी महंगा ले रहा था। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि क्या रेट लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखिए एक बम जी हमें मिले हैं और बम जी ने स्प्राइट ख़रीदा है, तो चलिए हम पूछते हैं बम जी से कि स्प्राइट का प्राइस सही लिया है या ज़्यादा लिया है। तो बम जी बताइए कि स्प्राइट का प्राइस सही लिया है या फेयर प्राइस है? फेयर प्राइस है ना, जो इनका एक्चुअल में जहाँ पे मार्क कहीं पे भी लीजिएगा कवरिया पर छोड़ के सेम रेट है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी जो भैया ने यहाँ पे एक दुकान की है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि यहाँ पे जितने भी सामान है जो इनका प्राइस एक्चुअल जो प्राइस है वही प्राइस ले रहे हैं, चाहे आप कुछ भी खरीद लीजिए। और दूसरी बात और भी चीज़ मैंने भैया से जाना कि ये जो देख सकते हैं झरना लगा हुआ है, इस झरना का अगर मैंने रेट पूछा था भैया से तो मुझे बताया 5 रुपया पर पर्सन। आप 5 रुपये में आइए नहाइए और जा सकते हैं, 5 रुपये में ही कि 5 रुपया करके अलग सब का चार्ज? पाँच रुपया। 5 रुपया अगर हम देंगे तो नहा भी सकते हैं और बाथरूम भी जा सकते हैं? नहीं, 5 रुपया अलग से लगेगा। अच्छा, 5 रुपया। तो यहाँ पे देख सकते हैं झरना के लिए 5 रुपया, और फिर आपका यहाँ पे बाथरूम है उधर दिखाइए सर, वहाँ पे देखिए बाथरूम वगैरह सुविधा है वो भी आपको 5 रुपये में मिलेंगे। बेड चार्जेस कितना भैया? 20 रुपया, 10 रुपया, 30 रुपया तक ला है। हाँ, 20 रुपया और 10 रुपया और 30 रुपये में क्या फ्रेंड है? उसको देते हैं क्या कि लगा के दरी उरी बिछा के तकिया लगा के पंखा लगा के सब कुछ देंगे, मखर जाली लगा के सब कुछ 30 रुपया लेंगे। और बाकी बात ऐसे 10 रुपया कुछ कहते हैं बिना तकिया मखर जाली सब का, और बाकी बात जाके 20 रुपया ले रहे हैं पंखा, खाली दरी उरी इस पर नहीं रहेगा कुछ, पंखा चलेगा। तो देख सकते हैं बहुत ही मतलब कि अच्छे प्राइस रखे हैं भैया, और बहुत सारे ऐसे दुकान भी जैसे कि मैंने बताया ना पीछे ज़्यादा ले रहे हैं कहीं कम ले रहे हैं, लेकिन इस भैया का दुकान में मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि जो प्राइस है एकदम मिनिमम प्राइस रखे हुए हैं, और जो भी इनका कॉस्ट है जितने भी सामान लीजिएगा जो कॉस्ट है वही रेट लेंगे। और आपको पता है कि जो इसका प्राइस रहता है उसके बाद ठंडा करने का कोई 1-2 रुपया जो चार्जेस लेते हैं वही लेते हैं। तो ये जगह है आपका नारद नगर, आप यहाँ पे आइएगा ज़रूर ठहरिएगा। तो चाय वगैरह भी, अच्छा चाय वगैरह का रेट भी, अच्छा चाय वगैरह क्या रेट है भैया? 10 रुपया कप। 10 रुपया कप ना, और शरबत वगैरह? शरबत वगैरह एक गिलास 10 रुपये, 5 रुपया ऐसे करके लेते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कि अभी आप जिस दुकान ये चला रहे हैं पिछले साल भी आप मतलब कि जब लॉकडाउन के पहले चलती थी खोले थे, फिर जाके कौन कहते हैं नहीं चला दुकान लॉकडाउन की वजह से, नहीं लॉकडाउन की पहली की बात कर रहे हैं? पहले, हाँ पहले, दो पहले खोले, 10 साल से दुकानदारी कर रहे हैं। 10 साल से। अच्छा क्या आप लोगों को मतलब कि सरकारी कुछ रेट मिलता है क्या मतलब कि लिस्ट? सरकारी कुछ नहीं मिलता, मतलब रेट लिस्ट मिलता है कि मूल्य तालिका? हाँ, रेस्ट यहाँ बताइए 60 के जाता है। हाँ रेट, हाँ रेट देता है सब, तो उसी मूल्य पे आपको बेचना पड़ता है ना। हाँ, तो देख सकते हैं सरकारी रेट जो बोलेगा जो हम देते हैं। हाँ, जो यहाँ पोस्ट लगा के जाता है सब कुछ, पेपर साट के जाता है सरकारी रेट में। तो अभी आपको मिला है कि नहीं? नहीं अभी नहीं लगा है, सावन झुकेगा तो अथी पूर्णिमा को लगभग मिल जाएगा। हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा रेट वगैरह भी डाला जाता है ताकि आपको कहीं पे भी ज़्यादा या कम लगे तो आप मूल्य लिखा हुआ है वहाँ से। अच्छा उसमें कंप्लेन नंबर भी दिया रहता है लिस्ट के नीचे? हाँ, पुलिस कंप्लेन अगर ज़्यादा लेता है तो वो कंप्लेन भी कर सकता है। हाँ, ज़्यादा लेता है जो अथी पोस्ट में रहेगा कौन जी कहते हैं वही रेट लेगा। हाँ, सरकारी रेट ही चलेगा, जितना सरकारी रेट चलेगा उतना ही सब बेचना पड़ेगा दुकानदार के ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं ना चाय पी पाते हैं बम के सेवा में। सही बात है, बहुत अच्छा तो काम कर रहे हैं आप लोग। सरकार के तरफ से कहाँ मिलता है कुछ वो नहीं बोल रहे, जैसे कि सरकार की तरफ से जैसे सामान है ना। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे क्या करते हैं कि जिसका दाम 10 रुपया है। हाँ,
तो बम तो बाहर से आते हैं, उनसे क्या करते हैं, उनसे ज्यादा करके ले जाते हैं, वही रेट लेते हैं। नहीं, अभी मुझे कुछ बम मिले जो पीछे मुझे बताया है कि वहाँ पे बम जी हमसे क्या कर रहे हैं कि जो रेट है उससे ज्यादा ले रहे हैं। ना, वही रेट में हम ले रहे हैं, जो रेट में गिराए हैं माल वही रेट हम ले जो रहे मार्केट में मिलता हाँ। है। बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा लगा ये दुकान, और हम आते रहते हैं, फिर आएंगे आप लोग से फिर मिलेंगे सावन में भी। और खाना पीना का सब कुछ का व्यवस्था रखे हैं। अच्छा, खाना क्या क्या मिलेगा? हाँ, ये चीज पूरी सब्जी और चावल दाल गीला सब्जी भुजिया, दो तीन रंग का भुजिया, पापड़ और वो दही चूड़ा, रसमलाई, सब सब आने सारे आइटम रखे हैं। हाँ, अभी मतलब शुरू नहीं हुआ है वो सब, और शुरू करेंगे फर्स्ट ही खोलेंगे 4 बजे सवेरे ही खोलेंगे। अच्छा, अभी तो आप तो लिस्ट भी नहीं तैयार किए होंगे कि हमको क्या कि धीरे-धीरे लगा रहा है अभी, और उसमें सामान लगेगा। मतलब कि देख सकते हैं कि अभी जो भैया दुकान अभी आज पहला दिन है ना, पहला दिन है आज दुकान खोले दे रहे, पानी दीजिए उधर। पहला दिन दुकान है, और अभी जैसे खाना बताएं, पूड़ी वगैरह मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको फल वगैरह, हाँ फल वगैरह, मौसमी का जूस मिलेगा, केला मिलेगा और सेब मिलेगा, अभी यही सब मिलेगा। मीठा में पेड़ा हो गया, रसमलाई हो गया, रसगुल्ला, ये सब मलाई सब सब कुछ बेचते हैं। अच्छा, कुछ कुछ दुकानें में ऐसे होते हैं कि बम जी अगर नहीं खाते हैं, अगर उनको रुक बैठना पड़ता है, तो बहुत सारा दुकानदार क्या कहते हैं, भगा देते हैं। नहीं, भागे कहते हैं, साइड में अपना वो व्यवस्था, उधर साइड में अपना बैठेगा, जो जितना देरी तक बैठेगा कोई दिक्कत नहीं, अपना बैठता है, टाइम पास हो जाता है, 10-15 मिनट एक घंटा आधा घंटा जो उसको बैठना रहता है साइड में बैठ जाएगा। दुकानदारी के समय में कैसे यहाँ पर बैठेगा, आगे में बैठेगा, पीछे अपना बैठिए, हवा में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उधर बैठने के लिए देखिए दिए हैं, अपना साइड में बैठिए, हाँ अपना साइड में बैठिए, दुकानदारी से आगे उधर पीछे बैठिए, हाँ पीछे, हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज में है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे परेशानी होगा तो किस लिए भगाएंगे, उधर साइड में भेज देते हैं कि बैठिए उधर, आराम आराम करिए, तब आगे बढ़िएगा। हाँ सही बात है, लेकिन जिस तरह का आप लोगों का विचार है उस तरह का बहुत सारा का नहीं रहता है, कि जैसे आते हैं बम जी बैठे हैं, वो सामान अगर नहीं खरीद रहे हैं तो उसको बोलेगा बम जी चले जाइए चले जाइए, उसका जो है वो चलते चलते जो है ना उसका परेशानी बुझाने लगता है, तो किस लिए भगा देंगे, उधर साइड में भेज देते हैं, हवा भी आता है उधर से, खुला जगह बोलते हैं चल जाइए साइड में आराम कर लीजिएगा बम जी, सही बात, जब होगा मन जब जाइएगा स्नान कर कर। आइए बम जी कुछ बोल रहे थे, आइए बम जी से बात करते हैं, और बम जी आप क्योंकि आप लोग भी आने वाले हैं तो कुछ एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि अभी 10 तारीख को आए हैं, तो बम जी बताएंगे। नमस्ते बम जी, तो कहाँ से हैं आप बम जी? मैं सुल्तानगंज से आए हैं। सुल्तानगंज आपका अपना घर? हमारा समस्तीपुर घर हुआ। समस्तीपुर, तो अच्छा ये बताइए आपको रास्ते में और भी दुकान में आप ठहरे थे? हाँ, आगे बार दुकान में ठहरे थे, जो यहाँ पर जो ईटा का जो नॉनसार के पहले, हाँ ईटा को जो नहीं बनता, ईटा वाला ईटा बनता मशीन से, वहाँ उसी जगह बगल में है, वो दुकानदार कहता जाइए जाइए इस जगह से, खाना खाना है तो रहिए, नहीं जाइए 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 हमको सामान खाली कीजिए। अच्छा, यहाँ पे आप ठहरे, यहाँ पे कैसे लगा? यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छा लगा। हाँ, यहाँ पर कोई अभी नहीं, जो मांगते हैं मिल जाता है समय पर, सब सुविधा है, रहने के लिए भी दिया व्यवस्था, हाँ सब सुविधा है जगह, तो देख सकते हैं। और उधर अगर अगर मान लीजिए ठहरे होंगे, पूछे होंगे ना कि कितना लीजिएगा? नहीं नहीं, सब नहीं नहीं पूछे। अभी जैसे हमें यूपी के कुछ बम मिले थे, ठीक है, यूपी के बम बोले कि वहाँ पे हम लोग रुके थे, तो एक मतलब एक आदमी के लिए 2 घंटा ठहरने के लिए 125 रुपये बोल रहे थे। हम लोग रुकते हम वही भाषा सुन रहे थे ना, हम तो धूपे में उठ के चल दिए वहाँ से। अच्छा, एक चीज़ और भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है ना इसमें चलने में, बालों में? हाँ, बालों में चलने में दिक्कत होता है, बहुत पतला हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है ना अभी तो आप लोग, हमको लगता है कि वो पक्की सड़क से ही जाते होंगे। अभी उससे भी चलते हैं, इससे भी चलते हैं, दोनों से चल जाते हैं, इसमें थोड़ा देखते हैं कम बालू है, ज़्यादा बालू में दिक्कत होता है, कम बालू रहता है तो ठीक है चल देते हैं उसी से। ठीक है, ये वीडियो मेरा अभी क्रिएशंस पे आएगा, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग जैसे जहाँ जहाँ दुकान में रुकिएगा तो रेट आप थोड़ा सा अगर बता दें तो और कवरिया को वो पता चलेगा कि सुविधा होगा कि कैसे कहाँ पे हमको ठहरना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये नारद नगर है, कि यहाँ पे रेट जो है बहुत अच्छा है और सब कुछ सामान नहीं ले रहा है, और आप भी बताएं तो अच्छा रहेगा कि आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों, तो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, तो
यहाँ पे आइएगा, देख सकते हैं बहुत अच्छा रेट लगा हमें। और कांवरियों के लिए तो बहुत ही अच्छा जगह है और बहुत लंबा चौड़ा जगह भी है। बस आप जब भी आइएगा, अगर आप नहीं भी कुछ ले रहे हैं तो आप पीछे आके बैठ सकते हैं, जैसे मैंने भैया ने बताया। और भी यहाँ पे भी ऐसे भी जगह दिया हुआ है इधर, ये थोड़ा सा उस टाइम में बारिश में ये छोनी बेकार कर देता तो और बेहतर रहता, लेकिन अभी दिया किया नहीं है तो ऐसे पड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ मिल जाता है जो मैंने आपको दिखा दिया, और सामान्य रेट मिलेगा जो आपको मार्केट में मिल रहा है। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।